Hi students, welcome in chemistry classes. I am Priyanka Jain and you are watching Inorganic Chemistry's lecture in Hindi. आप लोग देख रहे हैं हिंदी में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स और आज का लेक्चर है इनर स्फीयर रिएक्शन मैकेनिज्म पर. हम लोग यहाँ पर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं. लास्ट लेक्चर में आपने आउटर स्फीयर रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा था, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये मैंने आपको बताया था. और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इनर स्फीयर रिएक्शन मैकेनिज्म, पोल मैकेनिज्म पढ़ेंगे, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, किस तरीके से ये पूरी मैकेनिज्म प्रोसीड करती है, कहां से रेट इफेक्ट होती है, ये सारी चीजें स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर. ऑलराइट, देखिए मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो रिएक्शंस होती हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस होती हैं, वो वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस भी हो सकती हैं और टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस भी हो सकती हैं. जो वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस हैं वो टू टाइप से होती हैं, एक होती है आउटर स्फीयर रिएक्शन और दूसरी होती है इनर स्फीयर रिएक्शन. आउटर स्फीयर रिएक्शंस में मैंने आपको बताया था जो रिएक्शंस होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है वो सिर्फ बाहरी वातावरण से होता है, आउटर स्फीयर से होता है, यानी कि कोई भी किसी भी तरीके का चेंज नहीं होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में. जस्ट इलेक्ट्रॉन्स एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर से जंप करते हैं और दूसरे में मूव कर जाते हैं. ठीक है, अभी देखिए इनर स्फीयर रिएक्शन मैकेनिज्म. इनर स्फीयर रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होता है, दीज आर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस इन विच कॉनकॉमिटेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड लिगेंड ट्रांसफर अकर्स. यहाँ पर अकेले सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, क्या कह रहे हैं, कॉनकॉमिटेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड लिगेंड ट्रांसफर अकर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के साथ साथ लिगेंड का ट्रांसफर भी हो रहा है. तो ऐसा ट्रांसफर कब हो सकता है, जबकि यहाँ पर एक इंटीमेट कॉन्टेक्ट होगा. वेन एवर देयर इज अ इंटीमेट कॉन्टेक्ट, किसके बीच में, बिटवीन द ऑक्सीडेंट एंड द रिडक्टेंट. जो हमारा एक कंपाउंड कैसा बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडेंट की तरह, और दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है हमारा वो रिडक्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है. तो जब इस ऑक्सीडेंट और इस रिडक्टेंट के बीच में एक इंटीमेट कॉन्टेक्ट स्टेब्लिश होता है, उसके बाद ये पूरा प्रोसीजर हो सकता है. ओके, तो जब इंटीमेट कॉन्टेक्ट होता है ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट के बीच में, तो इसके एज ए रिजल्ट ऑफ इस क्या बनता है, एक ब्रिजेट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है. ओके, इन दोनों के इंटीमेट कॉन्टेक्ट से एक ब्रिजेट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यहाँ पर क्या होगा, फॉर्म करेगा. ओके, इट इज फॉर्म्ड. और इस कॉम्प्लेक्स की स्पेशियलिटी क्या होती है, जो ये ब्रिजेट, हम क्या बोल रहे हैं, ब्रिजेट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यानी कि कॉम्प्लेक्स हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, यानी कि इंटरमीडिएट है, और ये ब्रिजेट है, यानी कि एक लिगेंड जो है यहाँ पर, एटलीस्ट वन लिगेंड इज कॉमन. ओके, वी कैन से एट लीस्ट वन लिगेंड इज कॉमन टू बोथ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स. यानी जो हमारे ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट हैं, इन दोनों के कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स में एक लिगेंड के द्वारा क्या हो रहा है, कॉन्टेक्ट हो रहा है. ये एक लिगेंड जो है वो इन दोनों के बीच में कैसे बिहेव कर रहा है, एक ब्रिज की तरह बिहेव कर रहा है. ओके, इट इज बिहेविंग लाइक अ ब्रिज बिटवीन दीज टू कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स ऑफ द ऑक्सीडेंट एंड द रिडक्टेंट. ओके, तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं, मान लीजिए ये हमारा एक कंपाउंड था ए और दूसरा था बी, इनके बीच में क्या है, ये लिगेंड, इसके द्वारा कॉन्टेक्ट है. तो जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इस लिगेंड के थ्रू यहाँ पर ट्रांसफर किए जा रहे हैं. ओके, पूरी बात आपको क्लियर हो गई होगी. तो जब हमारा ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा, इस ए से जब बी में जाएगा, तो इसके साथ साथ इस लिगेंड का भी ट्रांसफर होगा. ठीक है, ए से बी में अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर जा रहा है, तो ये जो लिगेंड है ये बी से ए में जा रहा है. ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और लिगेंड ट्रांसफर दो प्रोसेसेस एक साथ हो रहे हैं. इसका एक बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल है, देखते हैं. एक कॉम्प्लेक्स है CONH3O5Cl, पेंटा अमीन क्लोरो कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स. ओके, इस कॉम्प्लेक्स को और दूसरा कॉम्प्लेक्स कौन सा है, CR का कॉम्प्लेक्स है, क्रोमियम का, यहाँ पर एक्वा कॉम्प्लेक्स है. इसके बीच में जब हम रिएक्शन कराते हैं एसिडिक मीडियम में, ओके, इनके बीच में हम एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं, तो हमको क्या मिलता है, CO H2O होल 6 प्लस 2 मिलता है, प्लस
प्लस आपको क्या मिलता है, Cr H2O whole 5 Cl+2 मिलता है, और क्या मिलता है आपको, +5 NH4+ ये मिलते हैं। अब देखिए इस पूरी रिएक्शन में आप क्या देख रहे हैं, दो कॉम्प्लेक्स हमने यहाँ पर लिए थे CONH3 whole 5 Cl, इसमें कोबाल्ट जो था वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, जबकि जो ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स था इसमें क्रोमियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था। ठीक है, अभी यहाँ पर जो कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स था एक्चुअली में ये इनर्ट कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, इनर्ट क्यों था, क्योंकि यहाँ पर कोबाल्ट कैसा था, लो स्पिन D6 स्पीसीज है, ये लो स्पिन D6 स्पीसीज है, इसलिए ये एक इनर्ट कॉम्प्लेक्स है। इनर्ट है तो मतलब ये वाटर का एक्सचेंज जल्दी नहीं कर रहा है, इनर्ट बिहेवियर शो कर रहा है। ओके, लेकिन जो ये क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है इसमें क्रोमियम आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और एक्चुअली में ये जो कॉम्प्लेक्स है वो आपका कैसा है, लेबाइल है। लेबाइल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हाई स्पिन D4 क्रोमियम प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो इसलिए ये कैसा है, लेबाइल है, और ये इजीली रैपिडली वाटर का एक्सचेंज कर सकता है। लेकिन जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है एसिडिक मीडियम में, तो ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है कोबाल्ट का, यहाँ कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ओके, और एक्चुअली में यहाँ पर कोबाल्ट का जो ये कॉम्प्लेक्स है ये कैसा हो गया है, लेबाइल हो गया है, क्योंकि ये D7 हाई स्पिन स्टेट में जा चुका है। ठीक है, इसलिए अब जो ये कॉम्प्लेक्स बना है आपका वो कैसा है, लेबाइल है, जबकि ये क्रोमियम का जो कॉम्प्लेक्स है ये अब कैसा है, इनर्ट है, क्योंकि एक्चुअली में ये एक D3 कॉम्प्लेक्स है, D3 स्पीसीज है। ओके, तो आपने क्या देखा, दोनों के बीच में रिएक्शन हुई, कोबाल्ट जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में था +2 में आ गया। ठीक है, इसका क्या हो गया, रिडक्शन, और क्रोमियम जो आपका दिख रहा था यहाँ पर +2 स्टेट में था, अभी वो +3 स्टेट में आ चुका है, और इसका क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है। और देखिए दोनों कॉम्प्लेक्सेस जो हैं उनका स्फीयर चेंज हो चुका है। ओके, अभी आपको यहाँ पर कोबाल्ट का क्या कॉम्प्लेक्स दिया था, अमीनो कॉम्प्लेक्स दिया था NH3 whole 5 Cl, जबकि यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, कोबाल्ट का वाटर कॉम्प्लेक्स एक्वा कॉम्प्लेक्स मिल रहा है, और जो आपको क्रोमियम है इसमें आप देख सकते हैं एक क्लोरीन लिगेंड आ चुका है। क्रोमियम का जो कॉम्प्लेक्स था उसमें एक वाटर का एक्सचेंज किससे हो गया है, क्लोरीन से। तो यानी कि दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस के जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। ओके, दोनों के कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स चेंज हो रहे हैं, और लिगेंड का और इलेक्ट्रॉन्स का दोनों का एक्सचेंज हो रहा है। ओके, बात क्लियर है सभी को, अभी हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। ऑलराइट, तो अभी हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। एक्चुअली में इन इनर स्फीयर रिडॉक्स मैकेनिज्म, हमने क्या कहा था, दो जो मेटल आयंस हैं वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं जिसमें कि एक ब्रिजिंग लिगेंड प्रेजेंट है जो कि दोनों के कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कॉमन है, और इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। एक्चुअली में ये जो मैकेनिज्म है इसका फर्स्ट जो प्रूफ है वो किसके द्वारा दिया गया था, एक साइंटिस्ट थे टोबे एंड इट्स कोवर्कर्स, इनके साथ में कुछ और भी साइंटिस्ट थे, तो इन लोगों ने मिलकर इसकी मैकेनिज्म सजेस्ट की थी। तो मैकेनिज्म कुछ स्टेप्स में होती है। पहली स्टेप्स में क्या होता है, हमारा जो लेबाइल कॉम्प्लेक्स है इनर्ट तो रिएक्शन करेगा नहीं, कॉम्प्लेक्स कौन सा पहले रिएक्शन करेगा, जो कि लेबाइल है। ठीक है, तो ये जो हमारा क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स था Cr H2O whole 6 plus 2, यहाँ पर क्रोमियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, एक्चुअली में ये क्या था, आपका लेबाइल कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, जब ये प्रेजेंट है एक्वस सॉल्यूशन में तो ये क्या करता है, वाटर का रैपिडली क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, वाटर को डिसोशिएट कर सकता है। तो सबसे पहली स्टेप में इससे क्या होगा, एक वाटर का डिसोशिएशन होगा। ठीक है, इस तरीके से। ऑलराइट, अभी दूसरी स्टेप में क्या होगा, ये जो दूसरी स्टेप है उसमें ये आपका क्या था, इनर्ट कॉम्प्लेक्स था, कोबाल्ट का इनर्ट कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर इसके पास क्या था, एक क्लोरीन लिगेंड था। ठीक है, क्लोरीन के पास यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, इसके थ्रू ये क्या कर सकता है, ब्रिज बना सकता है। ठीक है, ये ब्रिज बनाएगा, अभी ये इस क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्शन करेगा। एक्चुअली में रिएक्शन कहां से हो रही है, इस क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि ये हमारा लेबाइल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो यहां से रिएक्शन स्टार्ट होगी और दोनों के बीच में क्या बनेगा, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये रहा आपका कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इससे ये क्लोरीन अटैच्ड है। ओके, अभी ये क्लोरीन क्या करेगा, इस क्रोमियम के साथ बॉन्ड बना लेगा। ओके, इस तरीके से, और ये कॉम्प्लेक्स आपका बन गया, यहाँ पर क्रोमियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या होता है, देखिए ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स था
NH3, पोल 5, CO, Cl, Cr, H2O, पोल 5, प्लस 4। ओके, ये क्या था हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर आपने देखा था कि कोबाल्ट जो है वो प्लस 3 स्टेट में था और क्रोमियम आपका प्लस 2 स्टेट में था। अब एक्चुअली में क्या होगा, यहाँ से यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। प्लस 2 स्टेट से प्लस 3 में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो जब ट्रांसफर होगा तो हमारा कोबाल्ट का जो सेंटर था कोबाल्ट, वो प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और क्रोमियम ऑक्सीडाइज हो जाएगा और प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, अब भी इसके बाद डिसोसिएशन हो जाएगा। जैसे ही ये प्रोसीजर प्रोसीड करता है वैसे ही क्या होता है, एच प्लस की प्रेजेंस में हमारा सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है। इस एसिडिक सॉल्यूशन की प्रेजेंस में क्या होता है, ये दोनों सेपरेट हो जाएगी। यहाँ से क्या होगा, ब्रेकेज होगा। देखिए ब्रेकेज यहाँ से हो रहा है, ये जो क्लोरीन लिगेंड था वो किसके पास था, कोबाल्ट के पास था। अभी ये कोबाल्ट के पास से कहाँ जा रहा है, क्रोमियम के पास जा रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ हुआ था, देखिए यहाँ से यहाँ हुआ, और क्लोरीन का ट्रांसफर कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक है, तो इसके रिजल्ट से क्या बनेगा, हमारा जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, एक तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा Cr H2O होल 5 Cl प्लस 2। ठीक है, अभी यहाँ क्रोमियम प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ चुका है, और दूसरा आपका बन जाता है CONH3 होल 5 H2O प्लस 2। ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर आपका कोबाल्ट जो है वो प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ चुका है। अभी फर्दर क्या होता है, H प्लस की प्रेजेंस में, चूंकि हमारा सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है, तो ये जो NH3 लिगेंड्स हैं वो H2O के द्वारा रिप्लेस हो जाएंगे। तो हमें जो कॉम्प्लेक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, CO H2O होल 6 प्लस 2, और फिर क्या मिल जाएंगे, 5NH4 प्लस। इस तरीके से ये पूरी रिएक्शन प्रोसीड करती है। ठीक है, तो ये थे पूरी रिएक्शन की मैकेनिज्म। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स होते हैं, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। देखिए पहली बात, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का भी ट्रांसफर हो रहा है और लिगेंड का भी ट्रांसफर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहाँ से यहाँ हो रहा है। ठीक है ना, कहाँ से कहाँ हो रहा है, क्रोमियम से कोबाल्ट के पास हो रहा है, जबकि साथ में क्लोरीन का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ हो रहा है, CO से CR की तरफ हो रहा है। ये दोनों कैसे हैं, म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट प्रोसेसेस हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और बिना एक के दूसरा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दूसरे पॉइंट जो आता है हमारा वो क्या कहता है कि ब्रिजिंग लिगेंड मस्ट हैव एट लीस्ट 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ब्रिजिंग लिगेंड के पास जो हमारा ब्रिजिंग लिगेंड है, जैसे कि यहाँ पर जो लिगेंड था वो क्या था, Cl था, उसके पास इट शुड हैव एट लीस्ट 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होने चाहिए, तभी ये रिएक्शन प्रोसीड कर सकती है, अदरवाइज ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। ठीक है, अभी इन लिगेंड्स को अगर हम देखते हैं तो इसमें जो रेट है वो कैसे होता है, हैलाइड्स के केस में I माइनस में सबसे ज्यादा होता है, फिर Br माइनस के केस में होता है, फिर Cl माइनस और फिर F माइनस। यानी आयोडाइड के लिए ये रेट जो है वो सबसे ज्यादा है और फ्लोराइड के लिए सबसे कम है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पोलराइजेबिलिटी बढ़ने के साथ में रेट जो है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, और एक और लास्ट बात, यहाँ पर आप अगर सॉल्यूशन दे रहे हैं, सॉल्यूशन ऐसे देखिए, अगर आपने HCl लिया है तो ऐसा नहीं है कि जो लिगेंड हम क्लोराइड ले रहे हैं वो क्लोराइड HCl से आ रहा है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में जो ये क्रोमियम में आप देख रहे हैं, ये क्रोमियम में जो क्लोरीन आ रही है ये कहाँ से आ रही है, ये क्लोरीन एक्चुअली में इस कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स से आ रही है, यहाँ से आ रही है। ये कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं, अगर हम सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें लेबल्ड क्लोरीन लेते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इसमें कोई भी लेबल्ड क्लोरीन प्रेजेंट नहीं है। तो इससे हम क्लियरली ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो ये क्लोराइड यानी कि जो ये लिगेंड आ रहा है वो इस कॉम्प्लेक्स से आ रहा है। ठीक है, तो ये थी पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म इनर स्फीयर की। ठीक है, इनर स्फीयर रिएक्शन मैकेनिज्म। अब किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं इनर स्फीयर से रिलेटेड, आउटर स्फीयर से रिलेटेड, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, आप जितना ज्यादा सब्सक्रिप्शंस देंगे, जितना ज्यादा लाइक करेंगे, उतने ही ज्यादा वीडियोस आपको मिल सकते हैं, वीडियोस की क्वालिटी उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। तो प्लीज सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और कमेंट करते रहिए। थैंक यू।